नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज न केवल कुछ वरिष्ठ नागरिकों के साथ हमारा बैठना हुआ है बल्कि अग्रिम पंक्ति के होने के साथ साथ पत्रकारिता जगत में भी देश स्तरीय पहचान है। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा, श्री नचिकेता देसाई साहब हैं जो गुजरात की माटी से हैं और एक बड़ा नाम है देश स्तरीय। वाराणसी में इस समय आए हैं, मतदान करके आए हैं गुजरात से, यहाँ की नब्ज भी टटोल रहे हैं। दूसरा नाम है श्री सुरेश प्रताप सिंह जी जो दैनिक जागरण में लंबे कालखंड तक वाराणसी में रहे प्रधान संवाददाता के रूप में, और श्री विजय नारायण जी हैं हमारे बीच। मैं सभी का विनम्र भाव से अपने चैनल पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सुरेश प्रताप सिंह जी से जानना चाहूँगा, वाराणसी में 5 वर्षों में क्या बदला है, कुछ ऐसा क्या लग रहा है, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में, साफ सफाई के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, जो मौलिक चीज़ें हैं उसमें क्या परिवर्तन आपको लग रहा है? देखिए, 5 वर्ष में जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पक्का महल एरिया में 300 घर तोड़ दिए गए जी, उसमें सैकड़ों मंदिर भी हैं जी। दूसरी चीज़ ये कि गंगा जी की जो स्थिति है जी, वो पहले से और बदतर हुई है जी, बेहतर नहीं हुई है जी। तीसरी चीज़ कि कैंट स्टेशन के सामने जी पुल जो है एक गिरा था जिसमें 18-20 लोग मरे हुए जी, जी उसमें 50 लोग घायल हो गए थे। जी। सड़कें ज़रूर बनी हैं कुछ जी, बाबतपुर रोड पर सड़कें बनी हैं जी, लेकिन उन सड़कों के लिए जी कई घर और दुकानों को तोड़ा गया, पेड़ काटे गए जी, हजारों पेड़ काटे गए और उनकी जगह ऐसे ताड़ प्रजाति के पेड़ जो है और खजूर प्रजाति के पेड़ को लगाया गया है जिससे छाया भी नहीं मिल सकती है, चिड़िया भी उस पर नहीं बैठ सकती है। तो यही सवाल खड़ा होता है कि विकास में आपको ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है स्कूल की, ज़रूरत है अस्पताल की जी। क्या 5 साल में एक भी नया स्कूल बनारस में खुला है? क्या एक भी नया अस्पताल खुला है? नहीं। कैंसर हॉस्पिटल दिया इन्होंने? कैंसर हॉस्पिटल पहले से था जी, वो रेलवे का हॉस्पिटल था जी, रेलवे उसको कंट्रोल कर रहा था, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया उसे, उसका ये विकास। और अस्पताल की पूरी बिल्डिंग, अस्पताल का पूरा कैंपस ले करके और उसके ऊपर एक मंजिल और बना करके वो प्राइवेट कंपनी उससे अपना आमदनी करेगी। तो ये आप नहीं कह सकते कि कैंसर अस्पताल नया आया है, इस एरिया में कैंसर अस्पताल पहले से था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, काशी की पहचान जो है, यहाँ की गलियाँ हैं, यहाँ के मंदिर हैं और उसकी अपनी एक जीवन शैली है जी। उस जीवन शैली पर हमला बोला तो जो जो 5 साल के अंदर जितना यहाँ की संस्कृति और इसके समाज के ऊपर इनकी जीवन शैली पर हमले हुए, उतना हमले इसके पहले नहीं हुए थे जी। तो इसे भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए अब हम नचिकेता जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वाराणसी में आपका लगातार आना जाना होता रहता है, क्या आपने देखा और क्या बदला हुआ लग रहा है बनारस? देखिए, मैं बनारस में 1958 से लेकर 1980 तक बनारस में रहा हूँ, यहीं मेरी स्कूल की पढ़ाई हुई है, यहीं मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई है, यहीं जो है वो मेरा सामाजिक जीवन भी यहाँ से शुरू हुआ है, आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ और पत्रकारिता भी मैंने यहीं से शुरू की है। तो और 1980 के बाद मैं बाहर चला गया, फिर वापस आना हुआ मेरा 2014 में, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी और केजरीवाल एक दूसरे के आमने सामने यहाँ लड़ रहे थे, उस समय मैं यहाँ 1.5 महीना रहा रिपोर्टिंग करने के लिए। तो फिर 2014 के बाद मैं पहली बार 4 साल के गैप के बाद अभी 3 महीने पहले यहाँ वापस आया और ये देखने के लिए आया, क्योंकि इस बीच में बहुत ज़्यादा हल्ला अखबारों में
टीवी में चल रहा था कि काशी को क्योटो बनाया जा रहा है, और मेरे मित्र कुछ हैं जो अहमदाबाद और बनारस के बीच में आना जाना करते रहते हैं और उनका संबंध रहा है, तो वो बड़े प्रसन्न होकर बोले कि इस बार अगर काशी जाओ तो हवाई जहाज़ से जाओ और तुमको लगेगा कि दुबई पहुंच गए। तो मैंने कहा कि चलो, तो मैं पहली बार हवाई जहाज़ से अहमदाबाद से बनारस आया, तो बावतपुर हवाई अड्डे पर उतरते ही लगा कि मैं सही में ज़रा सिंगापुर या कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ। हवाई अड्डे को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है और एक दो बसों में भर के जापानीज़ टूरिस्ट लोग वहाँ दिखाई दे गए, तो मुझे लगा कि यार इन्होंने शायद जो है वो सही में क्योटो बना दिया है या बनारस बदल गया है। तो वहाँ से आए तो अर्दली बाज़ार के पहले जो जहाँ पर जो है मेन सड़क मिलती है हवाई अड्डे से बाबतपुर से लेके बनारस तक की जो सड़क है वो 4 लेन है, और बीच में जैसे बताया सुरेश जी ने कि जैसे वहाँ जो है खजूर के पेड़ लगा दिए गए, तो दुबई उबई में वैसे ही किया गया है। ठीक है, और यह खजूर तो गुजरात से लाया गया है, मैं था उस समय। हाँ, तो वो खजूर के पेड़ बीच में, जो खजूर के पेड़ मैंने कभी नहीं देखे थे यहाँ, यहाँ आम के पेड़ ज़रूर देखे थे बनारस में, और लंगड़ा आम यहाँ का प्रसिद्ध आम रहा है, लेकिन खजूर के पेड़ हमने देखे नहीं। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे वहाँ शहर के पास अर्दली बाज़ार के पास, तो सखड़ी गली चालू होगी और वहाँ से लहुरा बीर तक, और मैंने टैक्सी शेयर टैक्सी की थी गदोलिया तक की, तो उसने मुझे लहुरा बीरे पर छोड़ दिया, कहा कि आगे नहीं जाएगी। और वहाँ से जिसको यहाँ बाद में पता चला कि नाम है टोटो, इलेक्ट्रिक से चलने वाली 3 पहिया, तो उससे मैं घूमते फिरते 80 तक पहुँचने में मुझे 2 घंटा लग गया। मतलब टोटो से क्योटो का एहसास किया जी, क्योटो से वो अचानक काशी बन गया, और काशी भी ऐसा काशी बन गया कि जो जिससे मैं परिचित नहीं था, क्योंकि मैं तो राजघाट से BHU जो है वो साइकिल चलाते हुए जाता था या स्कूटर चलाते हुए आता था, 15-20 मिनट में आधे घंटे में पहुंच जाता था, वो अब बनारस में चलना दूभर हो गया था जब मैं तीन महीने पहले यहाँ आया था। फिर सुरेश जी ने लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना रहे हैं, और गंगा पथ या पाथवे, तो वो बड़ी उत्सुकता थी कि क्या है स्थिति, तो वो देखने के लिए मैं गया। तो वहाँ तो देख के मतलब जैसे भूचाल आ गया हो ऐसा लगा, मतलब जो भूचाल से नेपाल ध्वस्त हुआ था और काठमांडू के मंदिर सब गिर गए थे, और जो चित्र देखने को मिलता था वही चित्र जो है वो काशी में पक्का महल में देखने को मिला, जो बाबा विश्वनाथ वाला क्षेत्र है, विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा पाथवे, वो देख करके अवाक रह गया। मैंने क्योटो तो था ही नहीं, वो क्योटो नहीं था, और भूकंप आ गया था, ऐसा लगा कि भूकंप से ध्वस्त बिल्डिंग्स थे, उसमें कई मूर्तियां रास्ते में दिखाई दी टूटी फूटी, कई जो है वो मंदिर बीच में एक छोटा सा मंदिर खड़ा है, चारों तरफ जो है वो टूटा हुआ मकान है। फिर गंगा जी पर गए, अब वो गंगा जी मेरे लिए गंगा जी ऐसी थी जिसको हम आर तैर के आर पार करते थे, मैं और मेरे पिताजी। गर्मी के दिनों में हम लोग राजघाट में पूरा पुल के पास से लेकर के उस पार जाना, फिर वापस आना, नदी में हम लोग तैरते थे। सुइस मछली जिसको रिवर डॉल्फिन कहते हैं, वो हम लोगों के बगल से आके सट के निकल जाती थी। ठीक, अभी तो देखे तो गंगा जी एक तो पीछे चली गई हैं घाट छोड़ करके, और घाट के इधर घाट के पास पूरी गंदगी, मतलब इतनी भयंकर कि आप चल करके जो है पहले घाट से भी चल करके आप पहुंच सकते थे, अब चल नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ते में जो है पूरा नाली और गंदगी भरी हुई है, कुत्ते सुअर ये सब आपको आराम से माने जगह जगह आपको मिलेंगे, लोग निपटते हुए मिलेंगे। स्वच्छ भारत तो देखने को मिलता है वहीं कि स्वच्छ भारत क्या है। दूसरा क्या हुआ कि कॉमर्शियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया, व्यापारीकरण, कि हर जगह शाम के समय
जब गंगा के घाटों पे जाते थे तो आराम से आदमी बैठता था और आधा पौन घंटा आप शांति से बैठते थे, कोई हो हल्ला होता नहीं था। वहाँ जो है वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके म्यूज़िक बज रहा है, हर जगह 80 से ले करके जो है वो आप 10 अश्वमेध तक आप चले जाइए, हर जगह दुकानें वैसी खुल गई हैं जो रास्ते के किनारे में दुकानें जो बेचते हैं वो है, और म्यूज़िक है बड़े बड़े माइक से। तो ये तो लगा, और दूसरा जो है वो लगा कि रात को, अच्छा मेरे ये मित्र ने कहा कि रात को आप देखिएगा तो क्योटो दिखेगा आपको, और दिन में, तो दिन में तो देख रहा था कि सुअर भी दिख रहे हैं और जो है वो गंदगी दिख रही है, गलियों में जाइए तो गलियों की हालत अंदर जो है वो ख़राब है, सफाई वफाई। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि मैं आपके पास फिर आता हूँ, थोड़ा सा सर से जानना चाहूँगा क्या लगा है, परिवर्तन क्या हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। कि बनारस में, बनारस की जनता ने जिस आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा, उसने देश से तो झूठ बोला ही, बनारस की जनता से भी झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला गया। जिस एक चीज़ की चर्चा नहीं हो रही है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का स्थान दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में भी कहीं नहीं है गुणवत्ता के हिसाब से। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 30 साल से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। 30 साल से लगातार यहाँ के विद्यार्थी छात्र संघ बहाल करने का आंदोलन चला रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थी सिर्फ लोकतंत्र की बहाली, छात्र संघ की बहाली को लेकर आंदोलन करते हुए विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए। विश्वविद्यालय में पूरी तरह तानाशाही और गुंडागर्दी का माहौल है। आप वहीं के स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ आपको। और कुछ दिन पहले एक नए वाइस चांसलर आए थे इलाहाबाद से, डॉक्टर GC त्रिपाठी। उन्होंने 400-500 अध्यापकों की और 400-500 कर्मचारियों की भर्ती की। भर्ती में ऐसे लोगों को नियुक्ति की गई प्रोफेसर के पद पर जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया है, ऐसे लोगों की गई जो उस विषय को पढ़ाना न पढ़े हैं न पढ़ाना जानते हैं। इसकी जांच हो रही है, हाई कोर्ट में मामला अभी जांच चल रहा है। कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने मांग की कि जांच तो करो भाई, भारत सरकार का विश्वविद्यालय है, जांच नहीं की गई। एक मंत्री इस छात्र संघ के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं मनोज सिन्हा, इस सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं। यहाँ एक छात्र संघ का भवन है, उस हॉल में सारे छात्र संघ के अध्यक्षों की फ़ोटो टंगा करती थी पहले, और लोग भाषण भी होता था। एक कार्यक्रम में मैं वहाँ गया लोहिया जयंती पे, देख रहा हूँ सारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों की फ़ोटो गायब है, गायब है। हाँ, गायब है। मैंने पूछा वहाँ लड़कों से कि ये फ़ोटो कहाँ गई, तो लड़कों ने बताया कि ये फ़ोटो यहाँ से उठाकर कहीं कूड़ेदान में फेंक दी गई, और जिनकी फ़ोटो कूड़ेदान में फेंकी गई है उनमें से एक आदमी भारत सरकार का राज्य मंत्री आज भी है। तो सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों, दिल्ली में, जामिया मिलिया में, JNU में छात्र संघ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्यों नहीं रहेगा? और यहाँ भ्रष्टाचार की जांच कम होगी। इन सब चीज़ों का असर यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा है, इसमें इनकार नहीं है। तो और पिछले 5 साल पहले जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए तो ये सवाल उठा था, और तमाम भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम छात्र संघ को बहाल करेंगे। 5 साल हो गया, 1 दर्जन छात्र और निकाल दिए गए, रोज़ लाठी चलती है विद्यार्थियों के ऊपर, छात्र संघ की बहाली नहीं हुई। लेकिन बहुलता में लगातार छात्र मोदी मोदी मोदी, और जिस दिन उनका नामांकन हुआ था यहाँ से जुलूस निकला था, सब शर्ट पहन करके मोदी मोदी कर रहे। भाई आप किराए पर बेरोजगार विद्यार्थियों को बुलाएंगे, गरीबों को,
सारे लोग किराए के गए थे वहाँ जी हाँ। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ पांडेपुर में, वहाँ की औरतें को नई साड़ी दी गई, 500 रुपया दिया, लाद के गाड़ी पर ले गए। सारी भाड़े की भीड़ थी। तो साड़ी पर वोट भी मिलेगा इस बार? ये कोई ज़रूरी नहीं है, वोट ये दोष वोट खरीदने वालों का है जी। गरीब आदमी को तो जो एक जून रोटी के लिए भी परेशान है, वो अगर वोट बेच देता है तो उसका दोष नहीं है, दोष खरीदने वालों का है। ये खरीद फरोख्त रोकेगा कौन? ये वैचारिक आंदोलन से रुकेगा। ये सही है कि इसको रोकने का जो आंदोलन चाहिए था वो नहीं है देश में। अच्छा, यह काम केवल भाजपा कर नहीं रही है, सभी लोग कर रहे हैं, इससे किस हद तक आप सहमत हैं? एक गलत का व्यक्ति या गलत संगठन के गलत काम की काट आप दूसरे के गलत काम से नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति इस देश में विकसित हुई है सत्ताधारी वर्ग द्वारा, जो आया है उसने किया, तो वर्तमान में दोष तो वर्तमान सत्ताधारी दल का। देखिए, बड़ी स्वस्थ चर्चा हो रही है और जिसकी जिसकी सत्ता रही है सबने ऐसा किया है, और कोबर छोट कहत अपराधु, किसको छोटा कहा जाए किसको बड़ा कहा जाए। पुनः हम आ रहे हैं सुरेश प्रताप सिंह जी पर। देखा जा रहा है कि मीडिया लगातार, जैसे कई जगह मैं भी गया कुछ क्षेत्रों में, तो लोगों ने कहा कि मीडिया तो दलाल हो गया है, आप जो हम कह रहे हैं दिखाएंगे नहीं, इस तरह से लड़ गए लोग। कैसा लग रहा है? आप तो कई दशक, कितने दशक से आपने काम किया प्रिंट मीडिया में? 1980 से मैं काम कर रहा हूँ। पहले ऐसा ही था कि कुछ बदला स्वरूप था? नहीं, पहले कम से कम मीडिया समस्याओं को तो उठाती थी जी, मुद्दों पर बहस करती थी जी, अपनी ओर से पहलकदमी करती थी जी। आज की जो स्थिति है जी, वो ये है कि न तो राजनीतिक दल मुद्दे पर बात कर रहे हैं जी, और न तो मीडिया उस पर बात कर रही है जी। आम आदमी अपनी समस्याओं में त्रस्त है जी, वो चाहता है कि बातें हों, लेकिन वो बातें कहाँ हों। तो ये जो गैपिंग हो रही है इसको सोशल मीडिया कवर कर रही है। सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं जी, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक अराजकता सी है जी, उसमें सही गलत चीज़ें हर तरीके की आ रही हैं, तो वो भी एक सोचना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कहाँ तक उस गैपिंग को भर सकती है। लेकिन आपका ये कहना सही है कि मीडिया आम आदमी की समस्याओं को नहीं उठा रही है। दूसरी चीज़, मीडिया एक नैरेटिव खड़ा कर रही है जी, एक झूठ करने जी, जिसके सहारे वो बता रही है कि बहुत अच्छा विकास हो गया, बहुत अच्छा ये हो गया। कोई ये नहीं बतलाना चाहता है कि गंगा जी का जल स्तर क्यों घट रहा है जी, गंगा जी में प्रदूषण क्यों बढ़ा है जी, इस शहर में जल और वायु प्रदूषण इतना खतरनाक हो गया है कि पूरे देश में बनारस नंबर 3 पर पहुंच गया है विश्व में। नहीं, यहाँ मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, और ये मोदी सरकार के मंत्रालय की ही रिपोर्ट है जी। और ये कहते हैं कि गंगा जी का पानी साफ हो गया है और लोग पी रहे हैं पानी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप सच को सुनना नहीं चाहेंगे, सच को देखना नहीं चाहेंगे, तो यही होगा, नैरेटिव खड़ा होगी और उसके पीछे भागेंगे आप। एक मिर्ग मरीचिका की तरह चल रहा है, विकास खोज रहे हैं लोग ही कहाँ। अब ये बताइए कि जितने लोगों के घर गिराए गए, एक सीधी सी बात है कि अगर जो किसी भी आदमी को आप विस्थापित कर रहे हैं किसी विकास योजना के लिए, तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था करें कोई। लेकिन वो लोग तो आवाज़ उठा नहीं रहे, उनको पैसे मिल गए और जाकर के घर बनवाएंगे। नहीं, पैसे मिल गए जी, लेकिन वो कहाँ, जहाँ रहते थे, अब बनारस का आप जो मार्केट रेट है जी, जमीन आप अगर जो उनको 1 करोड़ रुपया मिल गया होगा तो 60 लाख रुपया में ज़मीन उनको मिलेगी। लेकिन यह मुद्दा क्यों नहीं बना बनारस में? मुद्दा इसलिए नहीं बना कि उनकी आवाज़ जो अपनी बातें उठा रहे, यहाँ आंदोलन मुद्दा था जी, यहाँ लोगों ने धरोहर बचाओ आंदोलन किया जी, 2 महीने तक धरना प्रदर्शन भी किए लोग, व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, लेकिन उनकी बातें अखबारों में नहीं आ रही थी, मीडिया में नहीं आ रही थी। मीडिया में बात किसकी आ रही थी? मीडिया में दूसरे पक्ष की बात आ रही थी कि विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आंदोलन धीरे धीरे टूटता गया। और हर आंदोलन में मिर्जाफर होते हैं, ये आप जानते हैं, मिर्जाफरों को जो है, मिर्जाफर
बंगाल का नवाब इसीलिए बना कि पलासी के युद्ध के पहले उसने अंग्रेज कमांडर क्लाइव से समझौता कर लिया था कि अगर जो युद्ध में क्लाइव जीत गया तो बदले में उसको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। सिराजुद्दौला जब गया युद्ध के मैदान में तो उसे नहीं पता था कि उसका सेनापति ही जो है मिल चुका है दूसरे पक्ष से। तो वहाँ तो एक मिर्जाफर था, यहाँ तो कई मिर्जाफर हैं। और अगर जो उसको थोड़ा और आगे बढ़ कर के आप देखना चाहें तो अभी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौर में देखिए कि दो तीन दिन पहले किसी भी पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी में आ रहा तुरंत उसको एमपी का टिकट मिल जा रहा है। ये सभी पार्टियों के साथ है, किसी एक पार्टी के साथ नहीं। तो ये तो राजनीतिक सोच की स्थिति है। गुजरात में क्या स्थिति रहेगी सर, कुछ बताएं। गुजरात तो गुजरात मॉडल करके पूरे देश भर में बेचा गया और गुजरात मॉडल है क्या ये कोई बाहर गुजरात से बाहर रहने वालों को तो मालूम नहीं। जो बताया जा रहा था वही सोच रहे थे कि गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल की पट्टी जो है पोल वो 2017 में खुल गई। 2017 में क्या खुली, वहाँ बेकारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा था। शिक्षित बेकार युवकों को जो है वो सड़क पे उतर के आरक्षण की मांग ऐसे समुदाय से होने लगी जो ओबीसी नहीं थे, जो पिछड़ा वर्ग से नहीं, जो वो सरदार पटेल की बिरादरी के लोग थे। और वो पटेल आरक्षण आंदोलन जो हुआ उसके मूल में दो चीज़ें थी, एक तो जो है वो भ्रष्टाचार शिक्षा में, शिक्षा महंगी शिक्षा, और दूसरी जो है वो नौकरियों में भ्रष्टाचार। मतलब तलाटी जो है वो गांव का सबसे निचले तबके का सरकारी कर्मचारी होता है, उसको उसकी भर्ती के लिए जो है वो 1.5-1.5 लाख रुपया जो है आपको घूस देनी पड़ती थी। जो मामला पकड़ा गया, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया उस परीक्षा को। तो ये जो है वो गुजरात की पोल ये पटेल आंदोलन के आंदोलन ने खोली, गुजरात के विकास की पोल। ठीक। दूसरा शिक्षा की, गुजरात का मॉडल जो है वो पूरे देश भर में इस मामले में लागू किया गया, जो वो उत्तर प्रदेश में भी लागू है, वो ये है कि सारे के सारे सरकारी जो जिम्मेदारी होती थी, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती थी, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, स्कूल अस्पताल मेन, तो इनकी सेवाएं जो है वो आप ठेके पर दे दो, उनको जो है दिहाड़ी पे रोज के हिसाब से मजदूर रखो, तो आपको जो है वो खर्चा सरकारी खजाने पर बोझा ना पड़े और जब चाहे तब निकाल सको उनको नौकरी में से। 6 लाख कर्मचारी गुजरात के ऐसे हैं जो यहाँ तक कि पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस के सिपाही वो भी ठेके पर हैं। 4 साल तक उनको कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और 5,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, तो 5,000 में घर थोड़ी चलाएगा वो, जो है लोगों से पैसा लेबे करेगा कुछ ना कुछ कारण की वजह से। ये चीज़ें जो है वो गुप्त रहीं, लोगों के सामने नहीं आई, और खाली सड़कें बड़ी बड़ी करके या फ्लाईओवर करके या बुलेट ट्रेन की बात करके पूरे जनता को जो है वो, और खाली गुजरात की जनता को नहीं, गुजरात की जनता में भी जो है वो शहर की जनता को छलावे में डाला। गाँव की जनता जो है वो उनकी महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, बच्चों का कुपोषण का स्तर भारत में जो है वो जो किस स्तर पर गुजरात है, गुजरात जो है वो 11वें नंबर पर है, ऊपर से लेकर के नीचे 11वें नंबर पर कुपोषण में। बच्चों की बाल मृत्यु का रेट जो है वो उसमें भी गुजरात बहुत आगे है। ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात जो है वो बिहार से पीछे है। ये लोग विश्वास करेंगे इस बात को? ये बात है वास्तविकता। और तो क्या लोग वहाँ के समझ गए हैं और कुछ परिवर्तन कर रहे हैं इस बार? अभी इस बार क्या 2017 में ही उन्होंने जो है वो किया विधानसभा चुनाव में, वही 2017 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों को अमित शाह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि 150 सीटें हम लोग जीतेंगे बीजेपी 182 में से। गुजरात में रिकॉर्ड जो है वो किसी पार्टी ने अगर जीता है वो जो है वो 1900
1985 में कांग्रेस पार्टी ने 149 सीट जीती थी, 149 आउट ऑफ 182। इस बार ये लोग कहे कि हम लोग 150 सीटें जीतेंगे, जब चुनाव हुआ तो कितनी सीटें जीते, 99 सीटें जीते, 100 सीट भी पार नहीं कर पाए उस, और उसमें 199 सीट जो मिली उसमें ज़्यादा सीटें जो है वो खाली शहरों में मिली, गांव में सफाया हो गया, आदिवासी और शेड्यूल कास्ट मैंने जो रिजर्व सीट थी उसमें सफाया हो गया, उसमें नहीं जीते बीजेपी वाले, बीजेपी वाले खाली जो है वो शहरी सीटों में जीते, और जिसकी वजह से बमुश्किल वो सरकार बना पाए। ये हालत 2017 में हुई, उसके पहले जो इसके चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें सफाया हो गया। 31 जिला पंचायत हैं वहाँ, 31 जिला पंचायत में से 26 जिला पंचायत बीजेपी हार गई। तो सर अमित शाह का नाम अभी आपने लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दोनों पद इन लोगों के पास हैं। अमित शाह के बारे में थोड़ा सा बताएं, इनके बारे में लोग कहते हैं तड़ी पार किया गया था, गुंडा प्रवृत्ति है, क्या है, थोड़ा सा विवेचन करें आप। देखिए अमित शाह मूलतः जो है वो शेर दलाल हैं जी। शेर दलाल क्या होते हैं मालूम है आपको? हर्षद मेहता क्या था मालूम है आपको? तो ये छोटे स्तर के हर्षद मेहता हैं, वहीं से उनकी जो है वो पहचान है, वही पहचान है। और उसमें और आरएसएस के थे तो उनको और नरेंद्र मोदी के खास बन गए, और खास बन करके जो है शेर दलाल में से वो सत्ता के दलाल बन गए, अगर ये कहा जाए तो। शेर दलाल से सत्ता का दलाल की कहानी है अमित शाह, ठीक। और अमित शाह जब मंत्री बने तो गुजरात के मंत्री बने तो उनके पास जो है वो गृह मंत्रालय, राजस्व बने फाइनेंस मिनिस्टर वही, गृह मंत्रालय वही, रेवेन्यू मिनिस्टर वही, वही जो है पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, उनके पास कुछ 8 या 9 महत्वपूर्ण विभाग थे, और उस विभाग का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। एक उदाहरण में आज में एक कैसा उपयोग किया तो अच्छी बात है, दुरुपयोग कहाँ किया? नहीं नहीं, उपयोग किया किस चीज़ के लिए उपयोग किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। गृह मंत्री जब थे तो अचानक जो है वो अपने प्रधानमंत्री को एक उनसे उनकी बेटिया की उम्र की जो है वो एक कन्या भाग गई, मानसी सोनी नाम की, और उस पर जो है वो नज़र रखने के लिए उन्होंने अमित शाह को कहा कि इसकी जासूसी कराओ, और उसमें ATS एंटी टेरर स्क्वाड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुजरात की पुलिस, उन सब लोगों को जो है लगा दिया, उनकी जासूसी करो। वो जासूसी कर रहे हैं ये बात खबर जो है वो टेप से जो है उनकी